हमें आपसे दो प्रश्न करने थे। अच्छा बताओ। पहला कि क्या कोई मिर्च के चने खाने से गरीब हो जाता है? वाह क्या बात है। सुदामा जी ने जो चने खाए थे भगवान श्री कृष्ण के, वह चने श्रापित थे, शापित चने थे। वह एक भिखारी महिला थी, उसको चने भीख में मिले थे, तो वो अपने तकिया के नीचे रख करके बांध कर पोटरी में सो गई थी कि सवेरे नाश्ते में खाऊंगी। तो चोर वहां से निकले, उज्जैन की घटना है, तो चोरों को लगा भिखारी है, कुछ रहे होंगे उद्दंड लोग कि कुछ तो मिलेगा, तो तकिए के नीचे हाथ डाला तो चने की पोटली आ गई चोरों के हाथ में। चोरों ने देखा कि कुछ सोना चांदी है क्या, खोल कर देखा तो चने, तो फेंक दिया। तो कहाँ फेंका, जहाँ सांदीपनी जी का आश्रम था वहां वो पोटरी चोरों ने फेंक दी। सवेरे बूढ़ी अम्मा जागी तो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैंने चने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? तो उसने कह दिया लगता चोर चुरा गए, चुरा के ले गए, जो मेरे चने खाएगा सदा के लिए मेरी तरह दरिद्र गरीब हो जाएगा। मेरे चने खा रहा है, मेरे चने भी चोरी कर लिए मुझे गरीब के, तो श्राप बद